जी हाँ दोस्तों, गन्ने के लोट रक्स को शुगर मिल में किस तरह खाली किया जाता है? अगर इसको हाथ से खाली किया जाए या छोटी मशीन की मदद से खाली किया जाए तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जा सकता है। तो उसमें इतने हैवी लोड ट्रक्स को, ट्रेलर्स को एक पैड पर ले जाया जाता है। उसके बाद उनका फ्रंट एक्सल एक मोटी जंजीर के जरिए उसे काबू कर दिया जाता है ताकि ट्रक ज्यादा ना उठ पाए। उनका फ्रंट एक्सल अच्छी तरह काबू करने के बाद अब इनको हैवी जैक्स के जरिए उठा दिया जाता है और चंद ही मिनट में इतने बड़े ट्रक्स अनलोड हो जाते हैं। और गन्ने की क्रशिंग मिल में शुरू कर दी जाती है और इससे वक्त की बहुत ज्यादा बचत होती है। क्योंकि शुगर मिल में रोजाना सैकड़ों हजारों ट्रक्स को खाली किया जाता है अगर छोटी मशीन के हाथों के जरिए यह काम किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा वक्त लग सकता है। लेकिन अक्सर शुगर मिल पर इसी तरीके से ट्रक्स को खाली किया जाता है और उनकी अनलोडिंग में सिर्फ चंद मिनट लगते हैं। इसके लिए हर मुल्क में कुछ तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकता है। कई ममालिक में गन्ने की हार्वेस्टिंग की मशीनें हैं जो कि उनको छोटे छोटे पीसेज में लाकर एक ट्रेलर में जमा करती हैं और वो उनको शुगर मिल में पहुंचाता है। हर मुल्क में तरीकेकार थोड़ा बहुत मुख्तलिफ हो सकता है। लेकिन मूवमेंट अनलोडिंग से ज्यादा टाइम सेट नहीं किया जाता। दोस्तों, आप हमारे चैनल इंसानी कमालत पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मालूमाती वीडियो मिलती रहे। गन्ने की फसल एक ऐसी फसल है जिसको पानी की अच्छी जरूरत होती है और जहां पर जिन मुल्कों में पानी की मिकदार अच्छी हो तो वहां पर इनकी पैदावार होती है। तो जिन इलाकों में पानी अच्छा दस्तियाब हो तो वहां पर भी इनकी पैदावार होती है। सिर्फ चंद मिनट में इतने बड़े बड़े ट्रक्स और ट्रेलर्स को खाली कर दिया जाता है। इसकी वजह से शुगर मिल्स के अंदर ही ज्यादा वक्त बच जाता है
और लेबर फोर्स की भी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। इस जगह इनको खाली करके बड़ी मशीन के साथ आगे डाल दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील का देखे का थोड़ा मतलब हो सकता है, क्योंकि उन मुल्कों में गन्ने की हार्वेस्टिंग की जाती है और उन्होंने छोटे छोटे पीस में या दरमियाने पीस में उनको लाकर शुगर मिल में डाला जाता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे कर नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।